जय हिंद ऑपरेटर साथियों, आज सुबह सुबह एक सूचना प्राप्त हुआ था। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में टनल का काम चल रहा था और रात 11 बजे लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें एक ऑपरेटर का देहांत हुआ है और एक 8-9 मजदूर का भी देहांत हुआ है वहां पर। और ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन शोक प्रकट कर रही है और उनके परिवार के साथ यह संस्था खड़ी है। और जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुआ है, हम अपना टीम को वहाँ पर भेजे। धरातल पर रणधीर कुमार सिंह वहाँ पर पहुँचे हैं, आइए उनके सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो नमस्कार, मैं ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का टीम मेंबर हूँ। मेरा नाम रणधीर सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर एक टनल का काम चल रहा था और टनल का फेस बैठने से कुछ लोग इसके नीचे आ गए हैं। सुनने में आ रहा है कि 8 से 10 लोग इस लैंडस्लाइड के नीचे दब गए हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इसके नीचे कोई ऑपरेटर या ड्राइवर भी लैंडस्लाइड के नीचे आया है, मगर ये क्लियर हो चुका है कि 8 से 10 लोग इस लैंडस्लाइड के नीचे आ चुके हैं। जो इस टनल में कंपनी चल रही थी उसका नाम है सीगल इंडिया। यहाँ पर मौके पे भारतीय सेना, जेके पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, सिविल सोसाइटी के लोग सब जहाँ पर मौके पे आ चुके हैं। वो काम करता नहीं इधर ही चाचा, वो बोल रहा है सिगल वालों का ये, पर ऑपरेटर कोई भी नहीं था क्योंकि मशीन कोई थी ही नहीं अंदर। हो सकता है वीडियो पकड़ो। Ha ha ha!